वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोगों ने क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन डिस्कस किया था, जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड आज लास्ट टॉपिक है हम लोगों का इंडियाज नेबर। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया के जो सराउंडिंग, जो उसके नेबर कंट्रीज हैं, वो कौन सी हैं, राइट? सो स्टार्ट करें, हियर वी गो। इंडिया, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इंडिया की स्टेट। बुक के अंदर एनसीईआरटी में जो पुरानी बुक है वहां पर 29 स्टेट्स लिखी हुई हैं और 7 यूटीज हैं। बट आपको आपकी नॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए आप लोग अपडेट रहें, इस सीजन से मैंने इस न्यू डेटा उठाया है। और ये आप भी जानते हैं कि 2000 से जब से हमारे यूटीज बनी हैं, न्यू यूटीज, फर्स्ट लद्दाख एंड सेकंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता था, आज उसको नहीं दिया जाता। सो यूटीज हमारी 2 ऐड हो चुकी हैं और एक जो हमारी स्टेट थी वो लेस हो गई है। तो 28 स्टेट्स और 9 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, राइट? उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेबर कंट्री के बारे में। नेबर कंट्रीज, ये हमारी इंडिया की 9 नेबर कंट्रीज हैं। इसके नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नॉर्थ के अंदर चाइना, नेपाल एंड भूटान है, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार है, और साउथ में श्रीलंका है और मालदीव्स है। मालदीव्स जो है, जो लक्षद्वीप है उसके साउथ में है, राइट? तो मैंने पिक्चर के जरिए दिखाने की आपको कोशिश की है। तो जो मालदीव्स है वो लक्षद्वीप के साउथ में है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड, सो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। जो श्रीलंका है वो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से सेपरेट है इंडिया से। जो सेपरेट है श्रीलंका साउथ के अंदर, वो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट की वजह से क्या है, वो सेपरेट है, राइट? मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मालदीव्स है वो साउथ में, लक्षद्वीप के साउथ में लोकेटेड है। नेक्स्ट, जस्ट लाइक इंडिया हैज कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज, जिस तरीके से इंडिया जो है वो अदर कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है, ऐसे ही इंडिया हिस्टोरिकली भी, जो हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली भी वो और नेबर्स जो है उसके उसके साथ कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ एशिया, अगर हम एशिया का मैप देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि साउथ ऑफ एशिया में, एशिया के साउथ ऑफ एशिया में इंडिया ही है। इंडिया इज द लोकेटेड एंड द स्ट्रांग पोजिशन, इंडिया ही है जो साउथ एशिया में है और एक स्ट्रांग पोजिशन उसने अपनी ले रखी है, एस्टैब्लिश कर रखी है। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिया के बारे में, इंडिया की लोकेशन, उसके नेबर कंट्री के बारे में। सो आपको लगा कि इस चैप्टर से, मेरे वीडियो से कुछ आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बट इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने फुल चैप्टर की एक एक्सप्लेनेशन डाली है, जहां आप उसको थॉरली जल्दी से उसको ओवरव्यू ले सकते हैं, जब आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, और आप एक एक पार्ट आपने पहले से ही पढ़ रखा होता है, सुन रखा होता है, आपका जल्दी से एक ओवर लुक देना चाहते हैं, आप फटाफट से उसको एक व्यू करना चाहते हैं, तो आप लास्ट रिवीजन लेक्चर जो है हमारा उसमें हम देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे लेक्चर को लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आया है तो, नहीं तो प्लीज मोटिवेशनल के लिए ही आप लाइक करें
और मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे चैप्टर्स जो चैप्टर्स हैं उनको और अच्छे अच्छे वीडियोस अपनी एक्सप्लेनेशन अपने व्यूज में रखती रहूं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।